आपका हार्दिक अभिनंदन है बीएससी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं 24857 नंबर के जीके का। यह सॉल्यूशन होगा जीके में वाइड नॉलेज होना बहुत जरूरी है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी क्या है बच्चों, हर साल एक नया ट्रेंड लेके आती है और हमें वो फॉलो करना होता है। सबसे ज्यादा जो फियर होता है बच्चों को, वो भी आप बोल सकते हो एसएससी में जीके को लेकर होता है। कई बच्चे अटेम्प्ट तक नहीं करते हैं क्वेश्चनों को। आज उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए, क्योंकि हम एक सॉल्यूशन के माध्यम से एक तो पेपर की नॉलेज मिलेगी, सेकंड थिंग क्या होगा, आपको उन सभी चीजों की नॉलेज मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, ऑप्शन से कैसे डील करना है, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से अधिक पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से अधिक पूछे जा रहे हैं, तो हम इसे इजी वे में ऑप्शन या एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अभी आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगेन अपन जो पेपर नंबर सॉल्यूशन है जीके का एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट सीरीज जो चला रखी है हमने क्लासेस में, 24857 नंबर का ये पेपर है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है बच्चों वो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना ढंग से, पहले अपना काम क्या करना है अपने को, सबसे पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, आराम से पढ़ने के बाद देन अपने ऑप्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस पे हैं। जब एग्जामिनेशन में जब हम लोग बैठेंगे, एग्जामिन चीज़ों को जब करेंगे, तो जब आसानी होगी हमें चीज़ों को समझने में, उससे पहले प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। ना तो आपका आई क्यू मैटर करने वाला है यहाँ पे, आपका मैटर करेगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड कर रहे हो। ठीक है, आओ तो पहले क्वेश्चन को आराम से रीड कर लो, ठीक है, तब अपन आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे, देन अपन कुछ और नई चीज़ें अप्लाई करेंगे। आओ बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास रूट रामचरितमानस इन द रीजन ऑफ, किसके शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सभी ऑप्शन को मैं एलोबरेट करने वाला हूँ यहाँ पे, बाबर, औरंगजेब, अकबर एंड जहांगीर, ये सारे के सारे मुगलिया सल्तनत के लोग हैं बच्चों। कहाँ से आता है ये मुगल सल्तनत के सारे ये लोग हैं, मुगल सल्तनत सारे सारे किस लोग, किस रियासत से आते हैं या किस डायनेस्टी से आते हैं, तो मुगलिया सल्तनत से ये लोग आते हैं। मुगलिया सल्तनत में जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखी, वो किन के पैरेलल थे, तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर अकबर के थे। अकबर बहुत ही बड़ा शासक रहा है अपने टाइम का, आज भी हम उनसे पढ़ते हैं और एग्जाम में मेडाइवल हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप टॉपिक को करो ना बच्चों, मेडाइवल हिस्ट्री का हो, एनशियंट का हो या मॉडर्न का हो, तो सबसे पहले जो टॉपिक निकाले हो या पढ़े हो, तो उसका करना क्या है आपको, सबसे पहले एक काम करना है, वो काम ये है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी निकालने हैं आपको। उससे रिलेटेड क्या है बच्चों, क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस में लाने हैं। आओ, तो मुगल सल्तनत में थे, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अकबर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, कि तुलसीदास जी ने किसके शासनकाल में लिखा, तो अकबर के शासनकाल में लिखा। देखो, बाबर जो मुगल सल्तनत की स्थापना करता है, इसका बेटा हुमायूं, और हुमायूं का बेटा होता है अकबर। ठीक है, औरंगजेब रहता है और जहांगीर रहता है, ये चारों के चारों जो लोग हैं वो मुगल सल्तनत के लोग हैं। मैं अकबर के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ बच्चों, मुगल के उस अकबर के बारे में एक एक करके बात करते हैं। अकबर क्या करता है, अकबर का जो शासनकाल रहता है, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 के मध्य रहता है बच्चों। इसकी असफल राज, जो रैंडमली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जो रैंडमली आपको पता ही नहीं रहता कि अकबर की राजधानी क्या थी और अकबर की असफल राजधानी क्या थी, तो अकबर की जो असफल राजधानी है बच्चों, अकबर की असफल राजधानी कौन सी है, असफल राजधानी वो कौन सी है बच्चों, फतेहपुर सीकरी है। अब एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि फतेहपुर सीकरी को कब बसाया जाता है, तो फतेहपुर सीकरी असफल राजधानी है अकबर की, और फतेहपुर सीकरी को गुजरात विजय के बाद बसाया जाता है बच्चों, गुजरात विजय के बाद बसाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और एक ऐसा शासक भी रहा जो अपनी मृत्यु से पहले अपना मकबरा बनवाना प्रारंभ कर देता है। अकबर ने क्या किया था, मृत्यु से पहले अपना मकबरा बनवाना प्रारंभ कर दिया था, मकबरा बनवाना प्रारंभ कर दिया था बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा इससे बहुत सारे अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि अकबर का संरक्षक कौन था।
अकबर का को संरक्षक कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, अकबर। अब चलते हैं जहांगीर को। जहांगीर के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है कि जहांगीर के समय को ना चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस मुगल काल को पेंटिंग का, ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, पेंटिंग, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है। किसके काल को कहा जाता है बच्चों, जहांगीर के समय को कहा जाता है। और आर्किटेक्चर की मैं आपसे बात करता हूँ, आर्किटेक्चर की बात आएगी तो शाहजहां का नाम आता है। किसका नाम आता है बच्चों, शाहजहां का यहाँ पे नाम आता है। ये बात सारी की सारी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुगलिया सल्तनत का फाउंडर कौन था, तो वो था बाबर। अब एक दो क्वेश्चन और आपको यहाँ पे बताने हैं। एक तो रामायण के बारे में, एक क्या बताना है, रामायण के लेखक कौन थे बच्चों, रामायण के लेखक, ठीक है, रामायण किसने लिखी, लेखक, ठीक है, और एक महाभारत किसने लिखी बच्चों। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महाभारत किसने लिखी, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन मैं आपको इस क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर देना है। अकबर का संरक्षक कौन था, रामायण के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन इज रिलेटेड विद द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सुनिए, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है, इंग्लैंड की यशस्वी या ग्लोरियस क्रांति से, रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, या अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से। बच्चों जो पहली बार जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक आंसर आता है, जिसका आंसर होता है, ज़्यादातर बच्चे जो कौन सा आंसर करते हैं वो अमेरिकन करते हैं बच्चों, अमेरिकन वॉर, ठीक है, क्योंकि ये पहली डेमोक्रेटिक कंट्री थी विश्व की, पहली डेमोक्रेटिक क्या थी बच्चों, ये कंट्री थी। तो हम लोग क्या करते हैं सर, यहीं पर हुआ होगा कि मानव अधिकारों को लेकर जो चर्चा हुई होगी, मानव अधिकारों को लेकर जो चर्चा हुई होगी वो कौन सी जगह रही होगी, वो अमेरिका रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है बच्चों, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मानव के अधिकारों, जैसे मैं आपको बात करता हूँ, एक डेट आपके सामने लिख रहा हूँ, 1787 to 1799, ये जो टाइम था ना, ये जो टाइम था, बताऊंगा कौन सा टाइम है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझिए। अगर आज से मैं 200 साल पहले जाता हूँ तो तब पे राजतंत्र, मोनार्की शासन ज़्यादा हुआ करता था। मोनार्की शासन जब होता था तो राजा की प्राथमिकता थी, राजा ही सारा काम करता था। लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता नहीं, ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ लोगों को ज़्यादा ही नहीं पता था। लेकिन जब लोगों को पता लगा कि एक मानव के रूप में भी अधिकार होते हैं, डेमोक्रेटिक जो रूल्स आने लगे, डेमोक्रेटिक चीज़ें आने लगी, लोगों का शासन आने लगा, तो लोग अपने अधिकारों के, राइट्सों के बारे में जानने लगे। लेकिन आज भी इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इन राइट्सों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जानने लगे तो उससे क्या हुआ कि जो राजा का शासन था वो थोड़ा सा धुंधला पड़ने लग गया, राजा का जो शासन था धुंधला पड़ने के पीछे क्या कारण थे और कब से ये पड़ने लगा, तो 1787 से लेकर 1799 तक ये जो काम होता है वो होता है फ्रांसीसी रेवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा कार्य होता है बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये सारे कार्य होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही राजा और प्रजा के संबंधों में परिवर्तन आना प्रारंभ होता है, क्योंकि लोगों को पता लग गया था कि हमें बोलने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी राय रखने का अधिकार है। क्योंकि जो राजा के पास पैसा जा रहा है, राजा जो शासन कर रहा है, वो हमारे कारण ही कर रहा है। तो आपको मैं सीधा कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में पता लगा, वो कब के बाद पता लगा, वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद पता लगता है बच्चों। किसके बाद पता लगता है, ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये पता लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा कि द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन इज रिलेटेड विद, तो किससे रिलेटेड है बच्चों, ये रिलेटेड है फ्रांसीसी क्रांति से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। लेकिन ज़्यादातर बच्चे किसको करते हैं, अमेरिका को, और ये गलत आंसर है बच्चों। रीजन क्या रहता है, मैं आपको पहले भी ये रीजन बता चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाइए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रूट हियर्स अराइज फ्रॉम। अब बेटा इसको समझिएगा ढंग से, जो मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम को समझना है, पहला काम करना है। इस डायग्राम को मैं पहले समझा रहा हूँ, एक लेयर्स बना रहा हूँ, लेयर्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। इस लेयर को समझने के बाद आप आराम से आंसर दे दोगे। मैंने कोई भी एक चीज़ बना दी, जैसे मैंने हाथ का अपने स्ट्रक्चर ही बना दिया। मैंने क्या बनाया, अपने हाथ का स्ट्रक्चर बना दिया। अपने हाथ का ही जब स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने इसका जो नाम दिया वो दिया बच्चों एपिडर्मिस, ठीक है, और एक नाम मैंने दिया एंडोडर्मी, तीसरी वाली लेयर का, ठीक है। इसको जो कनेक्ट, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो कर रहा है कॉर्टेक्स। कौन कनेक्ट कर रहा है बच्चों, कॉर्टेक्स कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एपिडर्मिस बनाया मैंने, कॉर्टेक्स बनाया, एंडोडर्मिस बनाया, और एक और कौन सा रह गया बच्चों, एक जो रह गया पेरिसाइकल। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मूल रोम कहां से निकलते हैं। तो मूल रोम निकलने का जो होता है ना बाह्य त्वचा होती है, जैसे मेरी स्किन है, आपकी स्किन है, जो हेयर जो निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, बाह्य से। तो अब इसका आंसर देखिए बच्चों, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल, इसका जो आंसर हो जाएगा वो एपिडर्मिस हो जाएगा। और यहां पर हम कौन सा कर देंगे, सी। तो आंसर तो हो गया बच्चों यहाँ सी। अगर यहां से एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का कारण कौन करता है, तो कॉर्टेक्स करते हैं, यानी वॉलकोट करते हैं या वॉलकोट करते हैं। तो आंसर हो जाता अपना ए आंसर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, रूट हियर्स अराइज फ्रॉम, कि भैया कि मूल रोम कहां से निकलते हैं। तो मूल रोम निकलते हैं बच्चों तो बाह्य त्वचा से, यानी एपिडर्मिस से ये निकलते हैं। ये बात यहां से ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको डायग्राम बना के क्लियरली सारी चीजें बना दी है, आप इसे आप देख सकते हो, अच्छे से आपको दिखाई यहां पर दे रहा होगा बच्चों। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? तो इनको रूट हेयर भी कहीं से निकलते हैं बच्चों, यहीं से रूट हेयर ये निकल रहे होते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, रूट हेयर, ठीक है। आगे चल सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चार नंबर का। अब इसको ढंग से देखिए एक बार फिर से, चार नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिर से अपन आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो ये देखो आओ, ठीक है। फ्लैश बल्बों का तार का इसका बना होता है, फ्लैश बल्बों का जो तार है किसका बना होता है, इसको इसका नहीं किसका कर सकते हो आप, किसका बना होता है अब बताओ भैया। ए जी का बना होता है, एम जी का बना होता है, सी यू का, बी जी का, और एम मैं आंसर कर रहा हूँ एम जी। एम जी का मतलब होता है बच्चों मैग्नीशियम, एम जी का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम, क्या है बच्चों, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एक चीज और यहां से ध्यान रखनी है कि जैसे मैं आपको मैग्नीशियम की मैं बात करूं, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं, क्लास में जो बच्चों यूज लाइट्स जो यूज की जा रही हैं, जो फ्लैश लाइट यूज की जा रही है, उनमें भी मैग्नीशियम का यूज किया जाता है, ठीक है। कैमरा मैन के द्वारा फ्लैश लाइट में, बात समझ में आई कि नहीं। जैसे अपनी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अभी क्लास में आपके सामने ले रहा हूँ, तो ये जो लाइट सारी की सारी यहाँ पे ये क्रियाएं जो हो रही है, लाइट से रिलेटेड जो क्रियाएं हो रही हैं, वो किस क्या क्या है उनके अंदर भैया, मैग्नीशियम है। आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम जो है कि परमाणु संख्या क्या है इसकी, एटम नंबर क्या है, तो परमाणु संख्या होती है भैया 12 इसकी। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, 12 होती है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है कि भैया फ्लैश बल्बों का तार का किसका उपयोग होता है, फ्लैश बल्बों में तार का तार जो होता है वो किसका बना होता है। तो आपके सामने आंसर यहाँ पे क्लियर ये हो चुका है भैया कि किसका होता है, ठीक है। फोटोग्राफर में भी किया जाता है, परमाणु संख्या 12 होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज दवाओं में भी किया जाता है, दवाओं में या सॉरी मेडिसिन में यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म में यूज किया जाता है। तो आप मेडिसिन भी आप लिखना चाहो तो मेडिसिन भी लिख सकते हो। एक और कौन सा है बच्चों, मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है, मेडिसिन में भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलो बच्चों ये आसान क्वेश्चन तो है लेकिन देखते हैं, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रोटीन, वसा, कोलेस्ट्रॉल या कार्बोहाइड्रेट, बताइए आप लोग। तो जो आयोडीन परीक्षण जिसका किया जाता है, किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, आयोडीन परीक्षण हमने किया तो ये पता लगाया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका पता लगाता है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आज आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इकोनॉमिक में क्या याद रखना है अपन को, याद क्या रखना है इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें चलती हैं। इकोनॉमिक्स में हमेशा बोलता हूँ कि सर अपन को प्रैक्टिकल वे में चल रहा है बच्चों, किस वे में चल रहा है, प्रैक्टिकल वे में। इसको नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा मैं, इकोनॉमिक में हमें चलना है प्रैक्टिकल वे में।
और प्रैक्टिकल वे से मतलब अपने घर में चीज़ें जो अप्लाई हो रही हैं वो याद करना, माइक्रो या मैक्रो। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो डाटा का जो डाटा बेस क्वेश्चन है उनका तो याद ही रखना है, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों, उनको सॉल्व करने का तरीका एक बार अपने घरों के बारे में सोचें, हम वो चीज़ अपने घर पर अप्लाई करें। कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर पर, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, दी प्रॉफिट ऑफ इंडियन बैंक्स, दी प्रॉफिट ऑफ इंडियन बैंक्स ऑपरेटिंग इन फॉरेन कंट्री आर पार्ट ऑफ, ठीक है, विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक, विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंकों का लाभ किसका भाग होता है। जैसे कि विदेशों में कार्य, जैसे मैं बोलूं SBI है अपनी, क्या है बच्चों अपनी SBI है, ठीक है, SBI बैंक है, और SBI बैंक क्या कर रही है, विदेश में काम कर रही है, तो उसकी इनकम को कहां जनर मतलब कि कहां माना जाएगा, ये सीधा सीधा ये पूछा गया। जैसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोचिए, आप खुद एक पर्सन के तौर पर आप विदेश में काम करने जा रहे हो बच्चों, पर्सन के तौर पर काम करने जा रहे हो, आप अमेरिका में इनकम जनरेट कर रहे हो, रेज कर रहे हो, कहाँ पे इनकम आ रही है आपको, अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका की इनकम जो है भारत में कैसे ट्रीट की जाएगी, भारत में वो कैसे ट्रीट की जाएगी, ऐसे करके हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग खुद आंसर इस चीज़ का कर सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे आपसे फिर से मैं अगेन क्वेश्चन यही कर रहा हूँ कि आपसे ये पूछा गया है कि भैया आप इंडिया में रह रहे हो तो आपकी जनरेट इनकम आ रही है तो कैसे बताई जाएगी, आप विदेश में रह रहे हो तो विदेश की इनकम कैसे दिखाई जाएगी, वही चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी गई है। विदेशों में आए, देखो ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं आपको, विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति से आए, बस सात भाई भाई बात पूरी सही है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप अर्न्ड फ्रॉम एब्रॉड, सही बात है इसकी, जो हम इनकम जनरेट कर रहे हो एब्रॉड में ही तो कर रहे हैं। आओ भारत में घरेलू घटक उपाय, नहीं नहीं भैया ये घटक आए सॉरी उपाय नहीं आए हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम विदेश अपने देश में कैसे मान सकते हैं, क्योंकि हम विदेश में कंपनी स्टैब्लिश कर रखी है और कंपनी से हम वहीं पे इनकम जनरेट कर रहे हैं। आगे देखो भारत की आंतरिक सीमा, भारत की आंतरिक सीमा में तो एक कोई देश थोड़ी ना आता है, स्टेट आते हैं, ये तो ऑटोमेटिक यहीं आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं महसूस हो रही है। भारत की आंतरिक सीमा में कार्य कर रहे उद्यमी को होने वाला लाभ, जैसे उद्यमी से मेरा मतलब है कि मैंने बना दिया एक ये भारत देश, भारत देश बनाया तो इसके अंदर ये काम कर रहा है भैया, इसके अंदर काम कर रहा है तो इसके अंदर तो शामिल ही नहीं करने एब्रॉड इनकम, तो ये भी हट गया। भारत में स्थिति बैंक का प्रचलन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर हमारा ज़्यादा सही और सबसे करेक्ट आंसर कौन सा बच्चों, ए, विदेशों में अर्जित उद्यम वृत्ति की आय, विदेशों में जो एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम हो रही है वो उसी में ही शामिल किया जाएगा, ठीक है। अगर आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ते हो इकोनॉमिक की, पर्टिकुलर में इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ इस चीज़ में, कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर जाएंगे, लेकिन उसके लिए ऑब्जर्वेशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कथन स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ, हमारे में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना UPSC और SSC लेवल दोनों में डिफरेंस आता है, एक दो क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं सेम, नहीं ज़्यादातर क्वेश्चन SSC के लेवल के अनुसार ही आते हैं, लेवल के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डील करना होता है। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, जैसे स्टेटमेंट वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना उसमें दो स्टेटमेंट हमेशा सेम मिलेंगे और आंसर भी उन्हीं में से ज़्यादा सेम मिलता है, ज़्यादा मैं ऐसे बोलना नहीं हूँ कि उसी में से आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है जो सेम ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक आंसर आता है, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं, बोलो 7 नंबर का क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सा ये लैंग्वेज इसमें डिफरेंट दे दिया भैया, लैंग्वेज क्या थोड़ी डिफरेंट दे दी है, और लैंग्वेज को आसान कर देता ना तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल क्या है, अब शिथिल काल का मतलब समझो बच्चों, शिथिल काल से मतलब क्या है, जो भारतीय इकोनॉमी में एक स्थिरता कब आ जाती है, मतलब इनकम जो इकोनॉमी रेट या GDP रेट जो बढ़ रही होती है वो कम कब बढ़ती है, जो ग्रो कब, मैं ऐसे सीधा एक और क्वेश्चन बोलूँगा, GDP कम ग्रो कब करती है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि भारतीय इकोनॉमी GDP कम ग्रो कब करती है, इस क्वेश्चन को ऐसे करो, कब करती, कौन सा टाइम पीरियड होता है बताओ, इस क्वेश्चन को अपन ऐसे समझ सकते हैं, GDP कम ग्रो कम करती है किस महीने में करती है, मार्च अप्रैल में, सितंबर दिसंबर में, जनवरी या जून में, फरवरी अप्रैल में। तो बच्चों जब इकोनॉमी हमारी कम ग्रो करती है कब करती है, जब भारत में फसल कटाई का समय होता है, फसल कटाई का समय होता है, क्योंकि भारत हमारा कैसा देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो अब यह याद रखने वाली बात क्या है इसमें, कि भैया जनवरी से और जून के मध्य भारत में फसल कटाई चलती है, कब चलती है फसल की कटाई, जनवरी से जून हमारे देश कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश की जो जनता है ज़्यादातर जो इंगेज रहती है वो कहाँ इंगेज रहती है, खेती में इंगेज हो जाती है, तो बाकी जो अलग सेक्टर्स हैं उनमें कम ध्यान देती है, इससे के कारण क्या होता है, हमारे देश की इकोनॉमी कम ग्रो होती है, इसके कारण क्या होता है, देश की इकोनॉमी कम ग्रो होती है बच्चों,
देश की इकोनॉमी क्या होती है बच्चों, कम ग्रो होती है। ये अब इसका मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया पहले तो बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे जब चलते हैं तो एक और चीज पूछी जाती है, बिजी सीजन। इकोनॉमिक का बिजी सीजन क्या होता है, इकोनॉमी का बिजी सीजन। सेम ऐसे क्वेश्चन है, मैंने यहां पे बिजी कर दिया है, पहले था शिथिल यानी कि स्लैक। ठीक है, बिजी से मतलब क्या है, जब ज्यादातर लोग बिजनेस में एंगेज हो जाते हैं, जीडीपी को बढ़ाने में लग जाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे, ज्यादातर लोग देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादातर लोग देश की इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी, अब बताओ। अब कोई दिक्कत परेशानी है कि भैया, अब बताइए आप, आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है कि यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, आ जाइए। 8 नंबर के क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर। देखो, अब मेंस में भी कंप्यूटर आ रहा है, मतलब कंप्यूटर अब एक प्री में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और आपको मेंस का तो आपको सभी को आइडिया है ये कि पासिंग मार्क्स होना जरूरी होता है। अब कंप्यूटर की एक प्राथमिकता बढ़ गई, अब कंप्यूटर की जब प्राथमिकता बढ़ गई तो चीज़ों के बारे में देखते हैं क्या है बच्चों। व्हाट डज द BIOS स्टैंड फॉर, BIOS का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका सीधा सीधा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बात समझ में आई कि नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा बच्चों। सीधा सा क्वेश्चन आया इसका, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इससे ज्यादा दिमाग हमें इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, इससे ज्यादा कुछ भी अपन को इसमें बच्चों दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में आई कि नहीं है। अब एक आपको मैं एक कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन बताना है कि कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं, कंप्यूटर के फादर या जनक, जनक या फादर। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी किसमें देना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आगे आ जाओ, 9 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। 9 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। द न्यू नेम ऑफ द बर्मा इज म्यांमार एंड इट्स कैपिटल। कि नेम, नया नाम बर्मा का क्या है, म्यांमार है। तो म्यांमार की कैपिटल क्या है, ठीक है, रंगून। रंगून कैपिटल थी भैया, लेकिन अभी करंट में नहीं है। रंगून म्यांमार की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन करंट में रंगून कैपिटल नहीं है। दूसरी चीज, आबा, अराकान एंड नेपटाप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, नेपिटाप हो जाएगा, नेप्यू टाप हो जाएगा। आंसर क्या करना है अपन को, यहाँ पर सी आंसर इसका कर देना है। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सर हमें ये बताइए कि मैं बोलूँ इंग्लैंड की कैपिटल क्या है बच्चों। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है। बोला सर पाकिस्तान की भी कैपिटल आ सकती है, हाँ जी बिल्कुल आ सकती है। इसके अलावा कौन सा है सर, बांग्लादेश की भी कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है। किसकी कैपिटल पूछी जा सकती है, बांग्लादेश की पूछी जा सकती है। आपसे अमेरिका की कैपिटल पूछी जा सकती है। इसके अलावा इनकी करेंसी भी तो पूछी जा सकती है, ठीक है। अब इसको मैं बताता हूँ और कुछ आपको कमेंट बॉक्स में किसी बहुत सारी चीज़ों के आंसर दे रहे हैं। देखो, इंग्लैंड की जो कैपिटल है बच्चों, लंदन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सर करेंसी, करेंसी है इसकी पाउंड, करेंसी क्या है बच्चों, पाउंड। अब आगे आ जाओ, पाकिस्तान की जो कैपिटल है वैसे तो स्थाई रहती नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद माना जाता है। कौन सी माना जाता है बच्चों, इस्लामाबाद। तो इसकी करेंसी क्या है बच्चों, पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपीज है इसकी करेंसी। इसकी करेंसी क्या है बच्चों, पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है। अब बांग्लादेश की करेंसी क्या है बच्चों, बांग्लादेश की पहले मैं आपको कैपिटल बताता हूँ, कैपिटल है ढाका, कैपिटल क्या है बच्चों इसकी, ढाका है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, कैपिटल क्या है, ढाका, और इसकी करेंसी क्या है बच्चों, टका। सेम क्वेश्चन चलते हैं अमेरिका की, अमेरिका की कैपिटल क्या है बच्चों, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और अमेरिका की कैपिटल होगी वाशिंगटन डीसी, और यहां का मुद्रा क्या है यानी कि करेंसी क्या है, डॉलर। ऐसे करके चीज़ें हमसे पूछ ली जाती है। अब इसके अलावा देखो बच्चों, सारे के सारे इसके अलावा चीज़ें देखिए क्या हैं। अब आपको कुछ आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं।
आप कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, आपको एक तो बतानी है भूटान की कैपिटल, आपको क्या बताना है, भूटान की कैपिटल बताना है, श्रीलंका की कैपिटल बताना है आपको, किसकी कैपिटल बताना है आपको, श्रीलंका की कैपिटल बताना है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल बताना है, साउथ अमेरिका नहीं कैपिटल, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इन सभी की कैपिटल आपको बताना है, और चाइना, चाइना और जापान, चाइना की कैपिटल बताना है और जापान, इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चल सकते हैं अब आगे, आ जाइए अब आगे चलते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए आप। वाटर कंडक्शन टेक्स प्लेस इन द मोजेस, मोजेस का सीधा मतलब मोजेस का मतलब है सीधा सीधा है काई। आपने अब बोला कि सर काई क्या होती है, आप बच्चों को क्वेश्चन पता है क्या आता है, काई क्या होती है, कई बच्चे कई जानते ही नहीं है। जैसे आपने पानी की टंकियां देखी होंगी बच्चों, जैसे पानी की टंकी होती है और पानी, बरसात का मौसम चल रहा है और पानी की टंकी के अंदर पानी भरा रहता है, क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है। अब पानी भरा रहता है ना, बहुत दिन हो जाते हैं तो यहाँ पे हरा हरा ग्रीन कलर का कुछ जमा हो जाता है, इधर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का एक परत लग जाती है, उसे बोलते हैं हम काई। लेकिन बड़ी बड़ी जब तालाब या पोखरों में जाते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत भयंकर तरीके से जमा हो जाती है, इसे हम बोलते हैं मॉस, या मॉस और क्या दूसरा बोलते हैं काई। अब काई में जो प्लांटेशन है, वो जो कंडक्शन हो रहा है वाटर का, वाटर का कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है ये पूछा गया है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, जाइलम के थ्रू, कॉलेन काइमा के थ्रू, या पेरेंट काइमा के थ्रू। इसका आंसर है, मैं आप बताता हूँ, यहाँ पे एक लिखा मैंने जाइलम और एक लिखा बच्चों मैंने फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम जाइलम, जाइलम से तो कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन जो होता है वो होता है वाटर का, इससे किसका कंडक्शन होता है बच्चों, वाटर का, किसका कंडक्शन होता है बच्चों, वाटर का। और फ्लोएम से जो कंडक्शन होता है बच्चों, फ्लोएम से कंडक्शन किसका होता है, ये प्लांट में फूड का होता है, किसमें होता है, फूड का। तो हमारा आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले तो ये बताओ, आंसर क्या हो गया अपना, जाइलम। आंसर क्या लॉक कर लो आप लोग, बी आंसर अपना लॉक कर लो। अब इनसे रिलेटेड चीज़ें जो निकल के आ रही है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन भी सकते हैं यहाँ से और नहीं भी बन सकते, लेकिन ज़्यादातर चांसेस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन न्यू बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन लोग, 11 नंबर पर चलते हैं, आ जाइए। द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, इंडस, यांगसी, हंग हो या गंगा। तो अब आपका आंसर क्या होगा बच्चों, देखो एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछी गई है हमसे, जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया, देखिए एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर, एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर, यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता था, देखिए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर भी तो बन सकता था, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, यहां से ये भी क्वेश्चन तो बन सकता था, इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर बन सकता था सर, यहां से ये भी तो क्वेश्चन बन सकता था, वर्ल्ड ब्रॉडेस्ट लॉन्ग, वर्ल्ड ब्रॉडेस्ट रिवर। इन चारों क्वेश्चनों का आंसर देखिए, एशिया का अपने आया क्वेश्चन, तो ऑप्शन में चलते हैं, यांगसी नदी, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यांगसी नदी, आंसर क्या कर दूंगा, या बी कर दूंगा मैं, ठीक है। तो एशिया की लॉन्गेस्ट जो रिवर है बच्चों वो है यांगसी, कौन सी है, आंसर क्या कर दिया मैंने, बी यांगसी। बात समझ में आई कि नहीं आई, कौन सी रिवर है बच्चों, यांगसी, ठीक है। और इसमें एक और बात ध्यान रखना, ये वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है बच्चों, तो वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर का जब नाम आता है तो एशिया लॉन्गेस्ट रिवर आती है यांगसी, ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वो है नाइल, जिसे हम लोग इंडियंस क्या बोलते हैं, नील नदी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नील नदी। इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर क्या है बच्चों, गंगा, जो गंगा में, गंगा है जो भारत में पूर्णतः ये बहती है, ठीक है। अब आइए आगे, वर्ल्ड ब्रॉडेस्ट जो रिवर है वो है अमेजोन, वर्ल्ड ब्रॉडेस्ट रिवर कौन है, अमेजोन। बात समझ में आई कि नहीं है, तो इन क्वेश्चनों को हमें ऐसे समझना होगा, एशिया लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड ब्रॉडेस्ट रिवर, तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो हमें हर क्वेश्चन के लिए बच्चों तैयार रहना होगा, हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें रेडी रहना होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 12 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं।
पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत दिया था। अब देखो, अब यहां से सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत के बारे में आते, इसमें मेरे को ऑप्शन डालना था। सपोज करो ऑप्शन होता पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं डी ऑप्शन को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हमारे पास डी ऑप्शन नहीं है, इसकी जगह मैं मान लेता हूँ। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। तुम बोलो कि सर इसमें से आंसर नहीं है इसलिए मैं ऑप्शन चेंज करूँ, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन तो सही है पूरा, लेकिन आता तो क्या करते वो सुनो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब बताओ ऑप्शन क्या होता। मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको कि बच्चों आपने ये आंसर करते हो, लेकिन हमारा आंसर ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया में दी थी, पूरे वर्ल्ड में नहीं दी थी, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, नहीं इंट्रोड्यूस किया था ना ही ये वर्ल्ड में दी थी। अब नहीं दी थी तो आप सुन लीजिए, तो पंचवर्षीय योजना देने वाला जो व्यक्ति है वो है स्टालिन। कौन है बच्चों? स्टालिन ने दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो स्टालिन। स्टालिन ने कहाँ दी थी बच्चों? सोवियत संघ में दी थी। कहाँ पे दी थी? सोवियत संघ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें आंसर क्या कर देना है इसका? सी कर देना है, स्टालिन। यानी इसका आंसर क्या हो गया? सी। अगर स्टालिन नहीं होता तब पंडित जवाहरलाल नेहरू करते, भारत के नज़रिए से। भारत के नज़रिए से अगर पूछा जाता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के नज़र से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात यह है सर, पंचवर्षीय योजना फर्स्ट फाइव ईयर जो प्लान था भारत में, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन इंडिया, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन इंडिया, तो किसके इसमें पर्पज क्या रखा गया था? उसमें भैया एग्रीकल्चर ही पर्पज रखा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्रीकल्चर ही क्या रखा गया था, इसका उद्देश्य रखा गया था, ठीक है। सेकेंड आता है तो एक नंबर, दूसरी पंचवर्षीय प्लान क्या था? तो वो था इंडस्ट्री को लेकर। वो कौन सा था बच्चों? इंडस्ट्री को लेकर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और दोनों तीसरे में ये मर्ज कर दिया जाता है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ये याद रखना है। और हर बार किसी, देखो जब भी चुनावी वो मुद्दा आता है, चुनाव होने, इलेक्शन होने इंडिया में, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों या विधानसभा के, स्टेट इलेक्शन हो या पूरे इंडियन गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, सब में एक मुद्दा बनाया जाता है। मुद्दा जो होता है ना वो किसको लेके होता है? एजुकेशन को लेके होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड अपने किसानों को लेके होता है, लेकिन ये दोनों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही है। तभी तो मैंने बताया फाइव ईयर प्लान जो पहला आया एग्रीकल्चर को लेके आया, लोग आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति सुदृढ़ आज भी नहीं हुई है, वो आज भी आत्मनिर्भर नहीं है, कोई कर्ज के मारे किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लिटरली मैं आपको बताऊं, हमारे जो किसान हैं ज़्यादा इतना पैसा इकट्ठे करते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए और बेटे की शादी हो जाए, बस उनके लिए बैकअप के तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए कभी स्ट्रॉन्ग अपील भी नहीं की है, स्ट्रॉन्ग कोई प्लान रेडी करके नहीं लेके आता है, ठीक है। इससे हमारे देश की इकोनॉमी पर एक विपरीत प्रभाव भी पड़ रहे हैं, ठीक है। ये कभी अलग से मुद्दा बताऊंगा, अभी आओ क्वेश्चंस पे आते हैं वापस से। 13 नंबर पे आ जाइए। देखिए, एन ऑर्डिनेंस इश्यू बाई गवर्नर इज सब्जेक्ट टू अप्रूव बाई, यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक अगर मैं डिजिट में चेंज कर दूँ ना, एक डिजिट से मेरा मतलब है एक वर्ड चेंज कर दूँ, तो ऐसे पूरा क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। राज्यपाल द्वारा किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन अधीन होता है? राज्यपाल द्वारा किया हुआ कार्य किसके अंदर या किसी के अधीन या किसके अंदर अनुमोदन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के अंदर, राज्य मंत्रिपरिषद, संसद या राज्य विधानमंडल, तो इसका आंसर होगा बच्चों गवर्नर के किए हुए कार्य कौन अनुमोदन करता है? राज्य विधानमंडल करती है। अगर गवर्नर की जगह आपके एग्जाम में आता प्रेसिडेंट, गवर्नर की जगह क्या आ जाता? प्रेसिडेंट। और यहां पर राज्यपाल की जगह मैं कर देता राष्ट्रपति, देन आंसर क्या आता? यह क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जब आंसर होता वो होता संसद, पार्लियामेंट हो जाता भैया, तब आंसर क्या हो जाए बच्चों? द पार्लियामेंट। आंसर क्या हो जाता? द पार्लियामेंट इसका आंसर हो जाता। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? द एन ऑर्डिनेंस इश्यू बाय गवर्नर इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? देखो सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर बच्चों को ये नहीं पता कि नेशनलाइजेशन क्या होता है। बच्चों को क्या नहीं पता बच्चों? कि नेशनलाइजेशन क्या होता है। जैसे मैंने कहा नेशनलाइजेशन, इसे राष्ट्रीयकरण बोल रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो कि राष्ट्रीयकरण होता कब है भारत में, तो 1969 में होता है। अब बात ये आती है कि सर नेशनलाइजेशन होता क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया नेशनलाइजेशन होता क्या, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है।
अरे मैंने स्पेलिंग थोड़ा सा, अरे नेशनलाइजेशन लिख दिया पूरा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर, नेशनलाइज लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब सुनिए नेशनलाइजेशन क्या है। नेशनलाइजेशन से क्या हुआ कि भारत में बहुत सारी बैंकें काम कर रही थी और वो मनमर्जी से काम कर रही थी। जैसे आज के टाइम पे आप कोटक में अपना अकाउंट ओपन कराने जाते हो, ठीक है, या यू बैंक में जाते हो, आईसीआई में जाते हो, तो वो जब सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं ना तो वो कुछ फिक्स अमाउंट आज भी करते हैं, लेकिन उस टाइम पर ही मनमानी चल रही। आज तो आरबीआई की गाइडलाइन के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन 1969 से पहले आरबीआई के अंडर काम नहीं कर रहे थे, वो अपनी मनमर्जियाँ चला रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम अपने अंदर ही अपने आप ही इसका अधीन ले लें, अपने अंडर में ही काम क्यों ना करवाया जाए। इसलिए इनका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता सभी बैंकों का। अपने गवर्नमेंट चाहा कि अपने हमारे अधीन होकर कार्य करें और हमारी देखरेख में काम करें। जो जितने भी बैंक्स होते हैं हमारे इंडिया में आरबीआई के अधीन ये कार्य करते हैं। नेशनलाइजेशन मतलब ऐसे कह सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, आरबीआई की देखरेख में ये लोग काम करते हैं। तो कब से कंपनी करने लगे थे, तो तब कब से करने लगे थे, 1969 से ये करने लगे थे। और ये बोल्ड डिसीजन लेने वाला उस टाइम का कैप्टन कौन था, कैप्टन से मेरा मतलब है प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्राइम मिनिस्टर उस समय पर 1969 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे। मुझे तो पता है भैया, लेकिन आपकी थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाने के लिए मुझे ये सारे क्वेश्चन देने पड़ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर गया भैया ये सारे क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, 1969 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। मैं आपको इतना थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाइए बच्चों, मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन एनुअली इन विच फॉलोइंग फील्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आओ, मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह नाम से थोड़ा सा फील आया होगा कि हम सर फिल्म जगत और म्यूजिक में दिया जाता है। नहीं बेटा, ये इसमें नहीं दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ना पर्टिकुलर लिटरेचर में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, लिटरेचर यानी कि साहित्य में ये दिया जाता है। ये किस में अवार्ड दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया सर, ए आंसर है इसका। इसका क्या है, ए आंसर। अब बात आती है कि मूर्ति देवी कौन है, बात क्या आती है, मूर्ति देवी कौन है। बेटा देखो, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक साहू जैन की क्या है, ये मां है। कौन है बच्चों, मूर्ति देवी। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इसकी बात समझ आई, लिटरेचर से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक साहू जैन की ये मां है, कौन, मूर्ति देवी जी, ठीक है। हर साल दिया जाता है। अब बात आती है 2023 में किसको दिया गया, ये बात ही आती है कि 2023 में यह पुरस्कार किसको दिया गया। 2023 में जो ये पुरस्कार दिया गया बच्चों, ये सुधा मूर्ति को दिया गया। किनको दिया गया 2023 में, सुधा मूर्ति को दिया गया। आप ऐसे लिखो इसको, सुधा मूर्ति को ये दिया गया है। और पहली बार जब दिया गया था राव साहब को दिया गया था, किसे दिया गया था, राव साहब को ये दिया गया था फर्स्ट टाइम। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक का अन्य नाम बताना है, HCl का आपको अन्य नाम बताना है। HCl का क्या बताना है आपको, अदर नेम क्या है। आ जाओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl इज ऑल्सो नोन एज। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है, गैलिक अम्ल, ठीक है, म्यूरेटिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल या पिक्रिक अम्ल। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी, इसका अन्य नाम क्या है, म्यूरेटिक एसिड नाम है। अब इसका यूज कहाँ होता है बच्चों, यूज होता है कहाँ पे वो देखो एक बार। यूज जो सबसे ज्यादा होता है आजकल बाथरूम की क्लीनिंग में होता है बच्चों, इनका यूज बाथरूम क्लीनिंग में इसका यूज होता है बच्चों। कहाँ यूज होता है, बाथरूम क्लीनिंग में इसका सबसे ज्यादा आज यूज किया। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है बच्चों। और कहाँ यूज किया जाता है, इसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है डिफरेंट जगह पे इंडस्ट्री में किया जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में काम होता है, जो हम लोग अच्छे से इसको जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 17। अब इस क्वेश्चन को देख के बच्चों को ऐसा लगता है बड़े आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। बेटा आसान सारे ही क्वेश्चन है अगर आप ढंग से पढ़ के जा रहे हो। निम्न में से बताओ कि रबी की फसल कौन सी है। तो मैं लिखता हूँ आपके सामने बच्चों, रबी की फसल,
और खरीफ की फसल, ठीक है, सरसों, मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, गेहूं, चना, ठीक है। अब खरीफ की फसल चलते हैं, ज्वार, बाजरा, ठीक है, और इसमें ऑप्शन दे रखा है चावल का, तो ये चावल भी लिख देता हूँ। तो आप खुद अंतर कर पा रहे होंगे कि रबी की फसल में इज नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रबी क्रॉप, इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो ज्वार ऑप्शन में है क्या, नहीं है, इसको छोड़ देते, बाजरा भी नहीं है, तो चावल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इधर बी आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं इतनी सी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं, 80 नंबर, किस वैज्ञानिक ने अपने नोबेल उत्पादक की नीलामी की, किस वैज्ञानिक ने अपने नोबेल पुरस्कार की क्या की बच्चों, नीलामी की। तो भैया देखो उस बंदे का नाम क्या है वो मैं बताता हूँ, उस बंदे का नाम है जेम्स वॉटसन। किसने अपने पुरस्कार की नीलामी की थी, तो जेम्स वॉटसन ने अपने नोबेल प्राइज की पदक की नीलामी की। अब क्वेश्चन दूसरा यहां से क्या आता है कि नोबेल प्राइज कब प्रारंभ होते हैं, नोबेल प्राइज प्रारंभ, ये जो प्रारंभ होते हैं ना बच्चों 1901 में होते हैं, कब प्रारंभ होते हैं 1901 में, ये स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में, और ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं बच्चों, ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, एक है बच्चों केमिस्ट्री, ठीक है, एक है बच्चों बायोलॉजी जिसे मेडिसिन बोलते हैं, बायोलॉजी को एक और नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, मेडिसिन, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए एक इकोनॉमिक्स है जो सबसे लास्ट में शामिल किया गया था, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अलावा लिटरेचर और पीस भी है, लिटरेचर और अगला क्या है बच्चों, पीस। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ये सारे क्षेत्र, लेकिन इसमें आपने नोटिस किया होगा मैथमेटिक्स कहीं पे भी नहीं है, इसमें क्या नहीं है बच्चों, मैथमेटिक्स नहीं है, यानी गणित का जो नोबेल कहा जाता है वो एवेल पुरस्कार को कहा जाता है, मैथमेटिक्स का नोबेल एवेल पुरस्कार को कहा जाता है, ठीक है। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में सम्मानित किया गया था बच्चों, किसमें सम्मानित किया गया था, लिटरेचर में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जेम्स वॉटसन, आंसर इज ए। बात समझ में आई कि नहीं आई, अब ये सारी चीजें आप नोट कर भी सकते हो और नहीं भी, आपकी मर्जी पर ये डिपेंड करता है बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, 90 नंबर। अब ये थोड़ा करंट से रिलेटेड आ जाता है बच्चों, किससे रिलेटेड आ जाता है, करंट से। देखिए निम्नलिखित में से किसने निफ्टी ईबी न्यू एज ऑटोमेटिक इंडेक्स नामक एक नया विषयगत सूचकांक लॉन्च किया, कलकत्ता स्टॉक चेंज, मद्रास स्टॉक चेंज, बॉम्बे स्टॉक चेंज या नेशनल स्टॉक चेंज। तो इसका जो आंसर है वो नेशनल स्टॉक चेंज है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से मतलब क्या होता है बच्चों, वो ध्यान रखिएगा आप लोग, स्टॉक एक्सचेंज से मतलब क्या होता है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां, कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटीज को और बॉन्ड का सेल और परचेज करती है, ऐसी जगह जहां पर कंपनी अपने बॉन्ड्स का सेल और ट्रेड करती है वो क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अपना डी आंसर हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपके। अब चलते हैं 20 नंबर की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है अभी, ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति वी डी नागरत्ना, ठीक है, और न्यायमूर्ति हिमा कोहली। इसका जो आंसर है बच्चों वो है हिमा कोहली,
क्या आंसर है बच्चों इसका? हिमा कोहली। हिमा कोहली क्या कर रही है? इसकी अध्यक्षता कर रही है। हिमा कोहली इससे पहले क्या थी? तेलंगाना हाई कोर्ट की जज थी। तेलंगाना हाई कोर्ट की इससे हाई कोर्ट की क्या थी बच्चों? जज थी, फॉर्मर जज, हाई फॉर्मर जज। बात समझ में आई कि नहीं आई इस चीज का? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति हिमा कोहली। क्या आंसर हो जाएगा इसका? न्यायमूर्ति हिमा कोहली। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहां तक आ जाइए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 21 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में 81.58 मीटर की दूरी हासिल कर स्वर्ण पदक किसने जीता है? जिसमें आप आंख मूंद के आंसर कर दोगे नीरज चोपड़ा, लेकिन ये क्या है बच्चों? गलत आंसर है। अरे पीछे चला गया ये। इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? ये गलत आंसर, आप लोग डेफिनेटली गलत करोगे। आप क्या करोगे? नीरज चोपड़ा कर दोगे। क्या आंसर कर दोगे इसका? फटाफट से नीरज चोपड़ा, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका जो आंसर है भैया डीपी मनु है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डीपी मनु। डीपी मनु ने ये जीता है बच्चों। किसने जीता है ये? डीपी मनु ने जीता है। डीपी मनु जो रहने वाले हैं वेल्लूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? वेल्लूर के रहने वाले हैं। और वेल्लूर कहाँ पर है? वेल्लूर कर्नाटक में बच्चों। सॉरी ये गलत आंसर है। आंसर हमारा क्या होगा? डीपी मनु। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? बी। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर किया होगा ना, मुझे भरोसा है वो किस पे है? नीरज चोपड़ा। आपने ज्यादातर लोगों ने कौन सा आंसर किया होगा? नीरज चोपड़ा को ही आंसर किया होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। केदार जाधव, केदार जाधव इज हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही इज रिलेटेड विच स्पोर्ट? आपको बताना है केदार जाधव जो है वो किस खेल से संबंधित है। केदार जाधव ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट या संन्यास घोषणा किया, वो किससे संबंधित है? हॉकी, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, कबड्डी और क्रिकेट। ये जो बंदा रिलेट करता है बच्चों, ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? क्रिकेट से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, और क्रिकेट का एक और बात यहाँ से ध्यान रख रही है। अभी अभी भारत ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है बच्चों। क्या जीता है? T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, फाइनल में विनिंग कौन रहा, विनर कौन रहा? तो विनर रहा भैया इंडिया। ठीक है, इंडिया के कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा। कौन थे बच्चों? रोहित शर्मा। और रनर अप कौन था? साउथ अफ्रीका। रनर अप कौन था बच्चों? साउथ अफ्रीका। ये तो बात समझ में आ गई बच्चों, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसका होस्ट कंट्री कौन कौन से थे? 2024 की होस्ट कंट्री कौन कौन सी थी? तो 2024 की जो होस्ट कंट्री थी, अमेरिका, यूएसए और वेस्ट इंडीज, इन दो देशों ने मिलकर क्या किया भैया? होस्ट किया था 2024 का। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। यह बात यहां से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। 23 नंबर, व्हाट परसेंटेज हैज द सिंगापुर हेडक्वार्टर डीबीएस बैंक प्रोजेक्टेड इंडिया इकोनॉमिक्स ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025? तो इसका जो आंसर है भैया 7% है। आंसर क्या बच्चों? 7% है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 7%। तो हमारा आंसर है यहां पे ए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। वेयर वॉज द थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस हेल्ड? बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून और कुमारकॉम। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है भैया? तो ये आयोजित की गई है बच्चों देहरादून में। ये करंट के क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और उसको डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर इसका याद रखना है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। अब इस सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 25 नंबर का। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भैया? तो सतीश नायर को नियुक्त किया गया है बच्चों। किसे नियुक्त किया गया है? एंड टू स्लाइड शुक्ला इज एक्टिव। ये क्या हो गया?
ये लास्ट क्वेश्चन कहाँ गया सर? अच्छा इधर गए कि, अच्छा सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं भैया, थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो जाता है। हु हैज बीन, देखो बच्चों एक बार, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। तो कौन चुने गए भैया? सतीश नायर को चुना गया है। और आपको यहां से कमेंट बॉक्स में याद बताना है मुझे कि सर क्या बताना है, गूगल का सीईओ कौन है, ठीक है, एंड एलोन मस्क किसका सीईओ है, एलोन मस्क किसका सीईओ है, गूगल का सीईओ कौन है और एप्पल का सीईओ कौन है, ठीक है बच्चों। बाकी जो मैंने आपको कमेंट करने को बोला है क्वेश्चंस के, वो सारे कमेंट करने ही करने, और इसको लगातार देखना, शेयर करना है वीडियो को। और दूसरी चीज़ बात, जो नए नए क्वेश्चन आपको लगते हैं तो वो लिख लीजिएगा आपको साथ साथ, और ये सीधा सीधा आपको जो हेल्पफुल रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो पेपर देंगे वहाँ पे आपको ये हेल्प करने वाला है बच्चों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, धन्यवाद।